युवती ने लगाया पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप, युवती का अपहरण कर दिया गया था, सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में गांव बहोना के रहने वाली युवती ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा युवती का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी थाने पर युवती के द्वारा दी गई, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर की रहने वाली युवती ने बताया कि एक दूधिया उसके घर आता जाता रहता था। एक दिन घर पर कोई नहीं था और वो नहा रही थी, तभी दूधिया ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली और उसको ब्लैकमेल करने लगा और 2 वर्ष तक उसका यौन शोषण करता रहा। फिलहाल में उसकी शादी बुलंदशहर में हो गई, जिसके बाद भी वह युवक फोन पर उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और उसके ससुराल वालों को दिखाने की बोल रहा था। तब पीड़ित युवती जब इससे मिलने आई तो इसका अपहरण कर ले गया और इसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। GBN 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ है, किस मामले की शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस आए हो? जी, मेरा अपहरण हुआ था। कब हुआ था, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? दो ढाई साल पहले मेरे घर पे एक लड़का आता था दूध डालने के लिए, उसे राहुल शर्मा बमसोई, क्या उसने मेरे नहाते हुए फोटो खींच लिए और वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करता था। उसके बाद यौन शोषण किया उसने मेरा, रियल वीडियो बना ली। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरी शादी हो गई 18 फरवरी को, फिर भी मुझे ब्लैकमेल करता था और उसके बाद मेरे पति को मारने की धमकी दी उसने, फ़ोन किया और मेरे भाई को और बाप को मारने की कहता था मुझसे। कितने समय पहले वीडियो बनाई थी और कब तक आपको परेशान करता था? 2-2.5 साल पहले वीडियो बनाई थी उसने मुझे, जब इसे ब्लैकमेल करता था अब तक। आपके कब फोटो दिखाता है और कैसे फोटो ब्लैकमेल करता है? ये कहता सोशल मीडिया पर फोटो डाल दूंगा अगर किसी को बताया तो। इसकी शिकायत आपने कहीं पुलिस थाने में करी थी? नहीं, डरा देता था इसलिए, ब्लैकमेल करता था इसलिए नहीं की। अब शादी के बाद क्या हुआ था? शादी के बाद मुझे फ़ोन किया और मेरे पति को मारने की धमकी दे रहा था और भाई को और बाप को मारने की, अगर किसी को बताया तो मैं तेरे भाई को और बाप को मार दूंगा। क्या हुआ? उसके बाद मुझसे मिलने के लिए फ़ोन कर रहा था सुबह से 11/4/2022 को, मुझे 3:15 के समथिंग मिलने को बुला लिया। मेरे मम्मी पापा खेत पर थे और मैं गांव से निकल के 2-3 खेत जाके खड़ी हुई थी, जा रही थी, पीछे से गाड़ी लाके और मेरे मुंह पर कपड़ा लगा के गाड़ी में डाल लिया मुझे। कितने लोग थे? 4 लोग थे, एक राहुल शर्मा था और उसका भतीजा गौरव शर्मा, 2 अज्ञात थे, उन्हें मैं जानती नहीं हूँ। तो इसकी शिकायत पुलिस थाने में करी? पुलिस थाने में शिकायत की थी तो गुमसुदी लिखी थी 4 दिन बाद। कब घटना हुई आपके साथ में? 11/4/2022 को। गाड़ी मालिक कहाँ ले गए थे? बदायूं। मेरे साथ वहाँ पे बलात्कार किए थे बहुत ज़्यादा। तीन लोगों ने करा? तीन लोग थे, एक को मैं जानती नहीं, 2 को मैं जानती हूँ, गौरव शर्मा और राहुल शर्मा। आप क्या चाहती है? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊँगी। कहाँ पर आई हो आज? SSP ऑफिस, यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कह दिया यहाँ पर? बोल दिया कुछ भी नहीं है, सब नाटक है।